समाचार मळी रहा छे। ग्रेनेड ब्लास्ट में 15 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાની માહિતી છે। સન્ડે માર્કેટ બહાર ગ્રેનેડ બ્લાસ્ટ કરાવ, સુરક્ષા દળોએ સમગ્ર વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરી છે। શ્રીનગરમાં 2 દિવસમાં આ બીજો હુમલો છે। અમારા સંવાદદાતા ઇરફાન કુરેશી વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે। ઇરફાન, ક્યાં કુછ હુઆ, કેસી સ્થિતિ અભી વહાં પર, કુછ જાણકારી? देखिए बिल्कुल, कुछ देर पहले ये श्रीनगर का संडे मार्केट है, टीआरसी के पास जो लाल चौक का हिस्सा है, वहां पर एक संदिग्ध ब्लास्ट हो रहा है, जो कि ऐसा लगा फिलहाल कि ये ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकता है। आतंकियों ने वहां पर बीट बाद मार्केट में ग्रेनेड फेंक दिया। क्योंकि संडे मार्केट है तो काफी तादाद में घाटी के लोग वहां पर शॉपिंग के लिए मौजूद होते हैं और वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। करीबन पहली जो जानकारी आ रही है उसमें 6 लोग घायल हुए हैं और भी मजीद तादाद बढ़ सकती है। इस हमले के बाद तुरंत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ के जवान और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं, पूरे इलाके को कॉर्न ऑफ किया है और फिलहाल ये इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि किस तरह का ब्लास्ट था और कितने आतंकी थे जो ये जो है वारदात अंजाम दिए हैं। क्योंकि आपको याद है कल भी श्रीनगर की खानियार इलाके में एक बड़ा मुठभेड़ देखने को मिला जो कई घंटों तक चला, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान मारा गया। तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते सुरक्षा को चौकस कर दिया है, लेकिन इस बीच लाल चौक में दोबारा इस तरह का ब्लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है सिक्योरिटी अथॉरिटीज के लिए। फिलहाल 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और मजीद जिसकी जानकारी जो है वो अभी पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में जो है सुरक्षा बलों को तैनात किया है और आसपास के इलाके को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल इरफान, यही जानना चाहेंगे आपसे कि अभी क्या मौजूदा स्थिति क्या है, सुरक्षा बल अभी वहां पर है, सर्च चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, इस हमले के तुरंत बाद ही अफरा तफरी मची और तुरंत जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद भी थे सीआरपीएफ के जवान, उन्होंने पोजीशन संभाली और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमान संभाली है। अब सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है और फ्रिस्किंग भी कुछ लोगों की गई वहां पर। कोशिश पुलिस की ये है कि जो घटना स्थल है उसको कॉर्डन में रखा जाए और आसपास के इलाके को नॉर्मलाइज किया जाए, ट्रैफिक को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल भारी तादाद में मौजूद है और फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है और जो गंभीर लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी तक 6 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग इस हमले में घायल हुए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों का वहां पर जारी है। जी ठीक है इरफान, तो हमारा संवाददाता जे प्रकारे जानकारी आपी रह्या छे, संडे मार्केट के जे मोटी संख्या में लोग पहुंचता होय छे अने मार्केट नी आसपास आ हुमलो करवामां आव्यो छे। छेल्ला 2 दिवसथी सतत आ प्रकारनी स्थिति जम्मू काश्मीरमां जोवा मळी रही छे। अत्यारे सुरक्षा बळोए संपूर्ण विस्तारने घेरी लीधो छे, सर्च ऑपरेशन त्यां चाली रह्युं छे। भरूचथी समाचार के जे क्राइम ब्रांच द्वारा